ऐसी अद्भुत पैमाने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं आप हमेशा उस उत्पाद का उपयोग करना चाहते हैं सबसे अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है वह समाप्त हो जाता है वहां का सबसे बड़ा बजट नहीं है किसी अन्य उपयोगकर्ता को जोड़ने की सीमांत लागत और तो सबसे बड़े बजट के साथ आपको मिलता है उच्चतम गुणवत्ता इसलिए सबसे अच्छे टीवी शो हैं वास्तव में कुछ अस्पष्ट नहीं होंगे में वे बस कुछ अमीर लोगों के लिए बने हैं जैसे बड़े बजट वाले होंगे ब्रेकिंग बैड या के साथ सिंहासन का खेल पक्षी बॉक्स जहां वे बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर हैं बजट वे बस उन बजटों का उपयोग कर सकते हैं एक निश्चित गुणवत्ता स्तर तक पहुंचने के लिए और फिर अमीर लोग अलग होंगे उन्हें सनडांस के लिए उड़ान भरनी है और देखना है वृत्तचित्र क्योंकि आप और मैं नहीं है मैं सनडांस उड़ाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं यह एक ऐसी चीज है जिससे अमीर लोग ऊब जाते हैं दिखावा करने के लिए करो और हम देखने वाले नहीं हैं एक वृत्त चित्र क्योंकि मुसलमान नहीं है वास्तव में फिर भी यह अच्छा है अगर आज आप बड़े वर्ग के लिए धनवान हैं कि चीजें आप अपना पैसा सिग्नलिंग सामान पर खर्च करते हैं दूसरे लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप अमीर हैं और आप उन्हें स्टेटस में बदलने का प्रयास करते हैं वास्तव में उपभोग करने के विपरीत अपने स्वयं के लोगों के लिए सामान और उत्तोलन के एक रूप के रूप में पूंजी में एक है नकारात्मक बाह्यता और कोड और उत्पाद में सकारात्मक बाह्यता है यदि मैं संक्षेप में बताऊं तो उनसे जुड़ा हुआ हूं आपकी बात के अनुरूप मुझे लगता है कि पूंजी और श्रमिक भी बनने लगे हैं थोड़ा अधिक अनुमति रहित या कम से कम अनुमति देना इस कारण से फैला हुआ है इंटरनेट तो श्रम के बजाय हम अब एक समुदाय है जो फैला हुआ है उदाहरण के लिए श्रम का रूप मार्ग जुकरबर्ग के पास एक अरब लोग हैं फेसबुक और का उपयोग करके उसके लिए काम करें बजाय इससे पूंजी जुटाने के अब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमीर है क्राउड फंडिंग ताकि आप लाखों जुटा सकें और एक दान के लिए लाखों डॉलर किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए या व्यवसाय के लिए आप यह सब ऑनलाइन कर सकते हैं इसलिए पूंजी और श्रमिक भी अनुमति विहीन होते जा रहे हैं और आपको इसे आवश्यक रूप से करने की आवश्यकता नहीं है पुराने जमाने का तरीका जहां आपको करना है घूमें और लोगों से अनुमति मांगे अपने पैसे या अपने समय का उपयोग करने के लिए क्या आप उत्तोलन के बारे में अधिक प्रश्न पूछते हैं बिजनेस मॉडल या हमारे विकल्प के बारे में सोचें उत्पाद की पसंद भी एक प्रकार ला सकती है उदाहरण के लिए इसका लाभ उठाना व्यवसाय जिसमें नेटवर्क प्रभाव पड़ता है ऐसा व्यवसाय अपनाना जिसमें ब्रांड हो प्रभाव या व्यवसाय के अन्य विकल्प ऐसा मॉडल जिससे लोग उसमें हेर फेर कर सकें बस आपको मुफ्त उत्तोलन दें हाँ वहां है कुछ सचमुच अच्छी सूक्ष्म आर्थिक अवधारणाएं इनमें से एक को समझना महत्वपूर्ण है वे पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि हैं। जितना अधिक आप उत्पादन करते हैं वह कुछ है इसे बनाना सस्ता हो जाता है कुछ ऐसा जो बहुत सारे व्यवसायों के पास है बुनियादी अर्थशास्त्र 101 और आपको प्रयास करना चाहिए और उस व्यवसाय में शामिल हों जो हम बना रहे हैं विजेट नंबर ट्वेल्व बनाने से सस्ता है विजेट नंबर फाइव और विजेट नंबर बनाना टेन थाउजेंड से काफी सस्ता है पिछले वाले और यह एक बनाता है प्रवेश के लिए स्वचालित प्रकार की बाधा प्रतिस्पर्धा और प्राप्ति के विरुद्ध कमोडिटीकृत इसलिए यह एक महत्वपूर्ण है एक और यह उसी तर्ज पर है लेकिन प्रौद्योगिकी उत्पाद विशेष रूप से और मीडिया उत्पादों में यह बेहतरीन गुणवत्ता है जहां उनकी सीमांत लागत शून्य है पुनरुत्पादन इसलिए दूसरी प्रति बनाना आपने अभी जो बनाया है वह मुफ्त है तो कब कोई इस पॉडकास्ट को सुनता है या देखता है एक यूट्यूब वीडियो ऊपर इसके अलावा मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता अगला व्यक्ति जो उन शून्य को दिखाता है सीमांत लागत वाली चीजों में उन्हें कुछ समय लगता है आगे बढ़ने के लिए क्योंकि आप बहुत कुछ करते हैं प्रति उपयोगकर्ता कम पैसा लेकिन समय के साथ वे जो रोगन वास्तव में बहुत कुछ जोड़ सकता है अपने वर्तमान पॉडकास्ट पर अधिक मेहनत नहीं कर रहा हूं और वह पॉडकास्ट नंबर एक पर नहीं बल्कि चालू था पॉडकास्ट नंबर 1100 वह बना रहा है पॉडकास्ट के लिए मिलियन डॉलर कहाँ हैं पिछला वाला शायद वह हार गया पहले वाले के लिए पैसा जो एक है शून्य सीमांत लागत का उदाहरण और फिर सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या यह नेटवर्क प्रभाव का विचार है और यह कंप्यूटर नेटवर्किंग बॉब से आता है मेटकाफ ने प्रसिद्ध रूप से ईथरनेट का निर्माण किया मेटकाफ का नियम बनाया जो मूल्य है एक नेटवर्क का आनुपातिक है में नोड्स की संख्या का वर्ग नेटवर्क तो यदि आकार 10 का नेटवर्क होगा कि 100 नेटवर्क का मूल्य है आकार 100 का मूल्य 10,000 होगा यह सिर्फ 10 गुना अधिक नहीं है यह 100 गुना अधिक है अधिक क्योंकि एक वर्ग इसलिए अंतर वर्ग है इसलिए आप इसमें रहना चाहते हैं नेटवर्क प्रभाव व्यवसाय यह मानते हुए कि आप हैं यदि आप नंबर एक हैं तो नंबर दो नहीं नेटवर्क प्रभाव व्यवसाय आप जीतते हैं यदि आप देखें तो सब कुछ उदाहरण के समान है फेसबुक आपके मित्रों और परिवार को अधिकार देता है सोशल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल आपका कौन है प्रतिस्पर्धी कोई नहीं क्योंकि वे चाहते हैं नेटवर्क प्रभाव के माध्यम से सब कुछ जो यही कारण है कि जब लोग अच्छा कहते हैं तो मैं अच्छा कह सकता हूं फेसबुक से दूर हो जाएं ऐसा नहीं है एहसास करें कि नेटवर्क प्रभाव पैदा करते हैं प्राकृतिक एकाधिकार वे बहुत हैं। शक्तिशाली चीजें और गंदी चीजों में से एक सिलिकॉन वैली के रहस्य इतने सारे हैं जीतने वाले व्यवसाय स्वाभाविक हैं एकाधिकार में साझाकरण की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है एक विनर टेक ओनल सिस्टम की तरह उबर की अर्थव्यवस्था हमेशा बेहतर रहेगी और तब तक उठाओ जब तक यह अधिक गतिमान है आसपास ड्राइवर और अधिक लेखक गूगल जैसा कुछ केवल वहां है एक बाइबल खोज इंजन जो मुझे पसंद है डगडगो आप गोपनीयता कारणों को जानते हैं लेकिन वे हमेशा पीछे रहेंगे नेटवर्क प्रभाव के कारण ट्विटर सही है आप माइक्रो के लिए और कहां जाएंगे ब्लॉगिंग में भी यूट्यूब का नेटवर्क कमजोर है प्रभाव लेकिन वे अभी भी शक्तिशाली हैं बस वास्तव में कोई भी नंबर दो साइट नहीं है जिस पर आप अपना वीडियो देखने के लिए जाते हैं एक नियमित आधार पर यह भी सामने आता है विस्तृत अमेजन प्राइम और सुविधा क्रेडिट कार्ड और जानकारी संग्रहित करें इसलिए एक शक्तिशाली नेटवर्क प्रभाव बनाता है नेटवर्क प्रभाव क्या है आइए परिभाषित करें यह वास्तव में एक नेटवर्क प्रभाव है जब प्रत्येक अतिरिक्त उपयोगकर्ता इसमें मूल्य जोड़ता है मौजूदा उपयोगकर्ता आधार इसलिए आपके उपयोगकर्ता स्वयं के लिए कुछ मूल्य बना रहे हैं अस्तित्व उपयोगकर्ता क्लासिक उदाहरण जो मुझे लगता है भाषा को हर कोई समझ सकता है मान लीजिए कि सौ लोग हैं समुदाय में रहो और दस बोलो अलग अलग भाषाएं और प्रत्येक व्यक्ति बस आप उन दस अच्छे लोगों में से एक बोलते हैं हर समय इसका अनुवाद करना पड़ता है अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक लेकिन अगर सभी सौ आपने वही भाषा बोली जो इसमें जोड़ी जाएगी जबरदस्त मूल्य और इसी तरह समुदाय दस लोगों का खेल खेलेगा आइए दस भाषाएं बोलना शुरू करें कहते हैं कि एक अतिरिक्त व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है अच्छा अब अचानक ग्यारह लोग अंग्रेजी जाने ताकि अगला व्यक्ति शायद नई भाषा सीखने आता है आइए किसी बिंदु पर अंग्रेजी चुने मान लीजिए अंग्रेजी को बीस या पच्चीस मिलता है लोगों यह हो गया है यह बस इसका स्वामी बनने वाला है संपूर्ण भाषा बाजार और बाकी कई भाषाओं प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगी यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में दीर्घावधि संभवतः बोलना खत्म होने वाला है चीनी चीन में अंग्रेजी बंद है इंटरनेट पर लेकिन इंटरनेट ही एक महान लेवलर है और जो लोग चाहते हैं इंटरनेट पर संचार करने के लिए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर किया क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा समुदाय मुझे हमेशा लगता है कि इंटरनेट अंग्रेजी बोलता है मेरे सहकर्मियों के लिए बुरा जो बड़े हो गए विदेशी भाषाओं को विदेशी भाषा में बोलना देशों क्योंकि आपके पास पहुंच नहीं है इतनी सारी किताबों के लिए इतनी सारी किताबें बस अन्य में अनुवादित नहीं किया गया है भाषाएं इसलिए यदि आप केवल फ्रेंच या बोलते हैं आप केवल जर्मन बोलते थे या आप केवल जर्मन बोलते थे सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और फाइनेंस एजुकेशन में अच्छा डिसीजन ले पाएं और पार्ट नाइनटीन के लिए कमेंट जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी दबा लेना जिससे क्या होगा कि मैं पार्ट 19 जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा धन्यवाद